दोस्तों, आप में से कई सारे व्यूअर्स बहुत दिनों से एक वीडियो बनाने को कह रहे थे। एक प्ले है 3 एक्ट का, जिसको लिखा था जॉन मिलिंगटन सिंज ने, जिसका नाम है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। दोस्तों, ये जो प्ले है, इसको मैंने पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, मॉडर्न लिटरेचर में मैंने आपको बताया था कि इस प्ले के परफॉर्म होने के बाद में दंगे से हो गए थे आयरलैंड में, डबलिन में जब इसको परफॉर्म किया गया था। मैं आपको बताऊं, 1905 से 1907 के बीच में इस प्ले को लिखा गया था और 1907 जनवरी में इसको डबलिन में परफॉर्म किया गया था। तो डबलिन में इस प्ले के परफॉर्म होने के बाद में दंगे से हो गए, क्योंकि उनका ये मानना था, डबलिन के कुछ पॉलिटिशियंस थे, उनका ये मानना था, आयरलैंड के पॉलिटिशियंस, कि इसमें हमारे विलेजर्स, हमारे कंट्री साइड की लाइफ का मजाक बनाया गया है, कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ की गई है और आयरिश लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। अब ये प्ले का टाइटल देख के कई लोगों को लग रहा है कि द प्ले बॉय ये किस टाइप का प्ले होगा। प्ले बॉय वर्ड का यूज़ आज हम जिस सेंस में करते हैं, दोस्तों ये उस सेंस में नहीं है इस वर्ड का मतलब। दरअसल जिस वक्त इसको लिखा गया था, अर्ली 19th सेंचुरी में इस प्ले को लिखा गया था, तो उस वक्त इस वर्ड का मतलब था चालाक या फिर धोखा देने वाला। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की हमारी, ये शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आयरलैंड से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, कोई कंट्री साइड का इलाका है, गांव का सा इलाका है, वहाँ पर एक पब है, एक मधुशाला है, बार सा। इस पब में मार्गरेट नाम की एक लड़की है जो कि एक बारमेड है, बारमेड का काम करती है इस पब में। ये लड़की का दूसरा नाम पजीन माइक भी है, आगे हम इसको पजीन माइक ही बोलेंगे, मार्गरेट नहीं बोलेंगे। तो इस लड़की की शादी होने वाली है शॉन नाम के एक लड़के के साथ में, और बड़ी अजीब बात है कि वो लड़का इसका कज़न है और ये उससे अपनी शादी के लिए जो वेडिंग होने वाली है उसकी लिस्ट बना रही है। वो शॉन यहाँ पर इसके पास पब में आता है और ये उससे बोलती है कि मेरे फादर आज रात को कहीं बाहर जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर अकेले ही रहना पड़ेगा। इसके फादर का नाम है माइकल, वो रात को बाहर जा रहे हैं तो इस पब में मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा, मुझे डर लग रहा है। तो शॉन सोचता है कि अगर मैं इसके साथ में रहूँगा तो ठीक नहीं रहेगा, यहाँ का एक लोकल प्रेस्ट है फादर रायली, वो क्या सोचेगा। तो इसे डर लग रहा है कि अगर मैं इसके साथ में रहूँगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। अब उसी फादर रायली से इसको परमिशन भी मिली है अपनी कज़न मार्गरेट के साथ शादी करने के लिए, स्पेजिन के साथ में शादी करने के लिए, और ये कहता है कि मैं अभी यहाँ पर आ रहा था तो रास्ते में मैंने किसी डिच के अंदर, एक खाई सी बनी हुई है, वहाँ पर किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज़ भी सुनी। तो मार्गरेट इसको चिल्ला कर बोलती है, गाली देती हुई बोलती है कि तुम डरते बहुत हो। तो पजीन को बड़ा गुस्सा आता है इस पर कि ये कितना बड़ा कावर्ड है, कितना बड़ा डरपोक है। अब इन दोनों में ये सब बातें हो रही थी तभी यहाँ पर पजीन का फादर आता है माइकल, अपने दो दोस्तों के साथ में, जिमी और फिली, तीनों ने शराब पी रखी है। ये पजीन अपने फादर से बोलती है कि मुझे रात भर अकेले रहने में डर लग रहा है। तो वो सारे के सारे, इसका फादर माइकल और इसके दो दोस्त जिमी और फिली, ये सारे के सारे शॉन को मनाते हैं कि तुम रुक जाओ ना यहाँ पे, क्या दिक्कत है। तो ये उन सबको धोखा देके यहाँ से भाग जाता है कि मैं तो जा रहा हूँ। तभी थोड़ी देर बाद ये डरा हुआ वापस आता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, कोई आदमी है जो इसका पीछा कर रहा है। ये तो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो आदमी यहाँ पर आता है, उस आदमी का नाम है क्रिस्टी। वो आदमी पब में आता है, थका हुआ सा, डरा हुआ सा, गंदा सा आदमी था वो। वो उसी डिच में से आया था जिसमें शॉन को उसकी आवाज़ सुनाई दी थी, उसी खाई में से आया था। वो बोलता है कि मैं पुलिस से अपना पीछा छुड़ा कर आ रहा हूँ। तो पब में जितने भी जने होते हैं वो क्रिस्टी से पूछते हैं कि तुमने क्राइम क्या किया है जो पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है। तो ये बोलता है कि मैंने अपने फादर का मर्डर कर दिया है, एक लॉय से, उनके लॉय से उनके सर पर मारा और वो मर गए। लॉय कुछ इस टाइप का औजार होता है। तो वो सारे के सारे इसको कोसने की बजाय, कुछ बोलने की बजाय, पता नहीं क्यों इससे इम्प्रेस हो जाए और वो सोचते हैं कि ज़रूर इसने अपने फादर को किसी अच्छे के लिए मारा होगा। तो ये जो माइकल होता है, ये क्रिस्टी को अपने पास में एक पॉट बॉय के रूप में जॉब दे देता है, ये सोच कर कि रात भर ये मेरी बेटी का ख्याल रखेगा, जब मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ में तो ये लड़का क्रिस्टी मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। और ये माइकल अपने दोनों दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाता है। तो अब इस शॉन को लगता है डर कि क्रिस्टी पब में मौजूद है, तो ये पजीन से बोलता है कि मैं भी अब यहाँ पे रहूँगा। पजीन बोलती है कि तुम जाओ ना अब अपने फादर रैली के पास। तो शॉन यहाँ से चला जाता है। अब इस पब में क्रिस्टी और पजीन अकेले, ये लड़का क्रिस्टी पजीन को डिटेल्स से अपनी लाइफ के बारे में बताता है और बताता है कि किस तरह से इसने अपने फादर का मर्डर किया, और वजह भी बताता है कि क्यों किया, क्योंकि इसके फादर का बिहेवियर अच्छा नहीं था, वो इससे कड़ी मेहनत करवाते थे अपने फार्म पे, तो इसने अपने फादर का मर्डर कर दिया।
किपजीन ने इस क्रिस्टी को बोला कि तुम हैंडसम हो। अब ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तभी यहाँ पर एक 30 साल की लेडी आती है। उस 30 साल की लेडी का नाम है विडो क्विन। एक्चुअली इस लेडी विडो क्विन ने अपने हस्बैंड को मार दिया था, वो यहाँ पर आती है और इसको भेजा है फादर रायली और शॉन ने कि यहाँ आकर ये ध्यान दे। तो बजीन इससे बड़ा लड़ने लगती है कि तुम कौन होती हो यहाँ पर ध्यान देने वाली, ध्यान यहाँ पर आकर ध्यान देने वाली। तो इन दोनों औरतों में आपस में लड़ाई होती है। तो ये क्रिस्टी बोलता है कि झगड़ने वाली कोई बात नहीं है, मैं पब में चला जाता हूँ सोने के लिए। अब क्रिस्टी को सोने के लिए एक बिस्तर मिला। पहली बार क्रिस्टी को इतना कंफर्टेबल बिस्तर मिला था सोने के लिए, उसे बड़ा अच्छा फील हो रहा था। तो वो सोचता है कि पता नहीं था बाप को मारने के इतने फ़ायदे होते हैं, नहीं तो पहले कब का ही मार चुका होता। अब ये कहानी थोड़ी सी अजीब है। अब क्या होता है, अगली सुबह होती है, क्रिस्टी पूरी तरह से अब पजीन से अट्रैक्ट हो चुका है और पजीन भी उससे अट्रैक्ट हो चुकी है। वो पजीन से अटेंशन चाहता है। ये विडो क्विन भी क्रिस्टी के फेस की तारीफ करती है। तभी यहाँ पर पब में चार लड़कियाँ आती है। उन चार लड़कियों के नाम हैं सुजन, सारा, ऑनर और नेली। ये पब में आती है, ये विलेज गर्ल्स हैं चार। ये चारों लड़कियाँ यहाँ पर इसलिए आई हैं क्योंकि ये उस आदमी को देखना चाहती है जिसने अपने बाप को मार दिया। अब ये कोई लंगूर तो है नहीं चिड़ियाघर का जो सबको दिखे, ये जाके छुप जाता है। वो चारों लड़कियाँ, इसको शीशा होता है चेहरा देखने वाला, उसके पीछे ढूंढ लेती है और इसको अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट्स वगैरह देती है, अपने फार्म्स के कुछ गिफ्ट्स वगैरह देती है जो इसके लिए लाई हैं ये। इस टाइम पर पजीन यहाँ पर नहीं होती, तो विडो क्विन इन लड़कियों को बोलती है, विलेज गर्ल्स को, कि तुम क्रिस्टी के लिए नाश्ता नहीं बनाओगी। तो ये सारी की सारी जाके उनके लिए उसके लिए नाश्ता बना के आती है। इतने में ये क्रिस्टी जो है, ये विडो क्विन और उन सब लड़कियों के रिक्वेस्ट करने पर क्रिस्टी उनको भी बताता है अपनी स्टोरी कि किस तरह से उसने अपने फादर को मारा। वो चिकन की हड्डी हाथ में पकड़कर उनको डराता हुआ, मतलब ऐसे बताता है स्टोरी। इसको अच्छा लग रहा था कि लोग मुझे इतना अटेंशन दे रहे हैं यहाँ पर। तो पजीन यहाँ पर आती है, वो विडो क्विन और उन सब लड़कियों को वहाँ से भगा देती है क्योंकि ये जेलिस होती है कि क्रिस्टी के पास में कोई और लड़कियाँ हैं, दूसरी लड़कियों से कैसे बात कर रहा था। और ये क्रिस्टी को बोलती है कि तुम उन लड़कियों से बात मत करो। तो ये पूछता है क्यों, क्योंकि उन लड़कियों के यहाँ की लोकल पुलिस के साथ में कॉन्टैक्ट हैं, तो पकड़े जाओगे। तो ये पजीन से बोलता है, क्रिस्टी बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर की दी हुई नौकरी को छोड़कर इस पब से जा रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, तुम यहाँ से मत जाओ, ये पब तुम्हारे लिए एकदम सेफ जगह है, तुम यहाँ पर एकदम सेफ हो। तभी दोस्तों क्या होता है, ये शॉन यहाँ पर आता है इस पब में और इस पजीन को बोलता है कि बाहर तुम्हारी भीड़ जो है वो पगला गई है, जाके उनको संभालो। ये जाती है पजीन यहाँ से। तो शॉन अकेले में इस क्रिस्टी को बोलता है, एक अपनी तरफ से एक अमेरिका का वन वे टिकट देता है इसको और कहता है कि मेरे महंगे कपड़े भी ले लो और यहाँ से इस पब को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओ। शॉन को अब डर लगने लगा है कि कहीं ये लड़का क्रिस्टी मेरी पजीन से शादी ना कर ले। तो क्रिस्टी उसके कपड़े भी ले लेता है और उसको जाने से भी मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। वो यहाँ से जाता है तो ये विडो क्विन उसके साथ में, किसके साथ में, शॉन के साथ में डील कर लेती है, इसको अपनी भेड़ बकरी देगा ये शॉन और ये विडो क्विन इसका काम करेगी शॉन का। ये विडो क्विन उससे बोलती है कि मैं क्रिस्टी से शादी करूंगी। अब क्रिस्टी ने शॉन के दिए हुए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, महंगे महंगे कपड़े पहन लिए और वो अपनी इस नई लाइफ पर बिल्कुल अकड़ रहा है। तभी इसकी नज़र पड़ती है इसके फादर पर। इसके फादर मरे नहीं हैं बल्कि उनको चोट लगी है सर पर। वो पब के आसपास घूम रहे हैं और अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। अब इसको लगे डर कि इसके फादर ने इसको ढूंढ लिया तो क्या होगा। ये भागकर जाके दरवाजे के पीछे छुप जाता है जल्दी जल्दी करके पागलों की तरह। तभी इसके फादर अंदर पब में आते हैं और विडो क्विन से पूछते हैं, विडो क्विन उस वक्त पब में ही थी, तो उनसे पूछते हैं, क्या तुमने ऐसे किसी लड़के को देखा है, वो मेरा बेटा है, पागल जैसा दिखता है और लड़कियों के साथ मजाक करता रहता है। तो विडो क्विन अच्छे से सुनती है उसको और बोलती है, हाँ मैंने देखा है, वो पास में एक कोस्ट है पास में जहाँ पर कोई बोट जहाज़ वगैरह पकड़ने गया है, तो आप अभी जाओ और उसको पकड़ लो। डायरेक्शन दिखा देती है कि उस तरफ जाओ, आपको मिल जाएगा वो। अब इसने क्रिस्टी के फादर को मिसगाइड क्यों किया। क्रिस्टी बाहर आके बोलता है कि तुम तो देवी निकली, प्लीज़ तुम पजीन को मत बताना कि मेरे फादर जिंदा हैं और वो मुझे ढूंढ रहे हैं। तो विडो क्विन उससे बोलती है, तो फिर छोड़ो पजीन का पीछा और मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी लाइफ ठीक कर दूंगी, चिंता मत करो। तो क्रिस्टी मना कर देता है क्योंकि इसका इरादा तो पक्का है, पजीन से शादी करेगा। तो विडो क्विन इसके सामने दूसरी
शर्त रखती है। वो विडो क्वीन उससे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, तुम बेजीन से शादी कर लो, ऐसे करो तुम पब के मालिक बन जाओगे उससे शादी करने के बाद में, फिर जो मुझे चाहिए होगा इस पब में से वो मुझे देना, इस चीज़ का वादा करो, तो फिर ठीक है मैं नहीं बताऊंगी फजीन को। अब दोस्तों क्या होता है, जिमी और फिली जो माइकल के दोस्त थे, जिमी और फिली वो पब में बैठे हुए थे, क्रिस्टी के बारे में बातें कर रहे थे कि किस तरह से क्रिस्टी ने विलेजर्स का, आसपास के विलेजर्स का हीरो टाइप का बन गया है और उसने मतलब दिल जीत लिया है, वहाँ पर स्पोर्ट्स वगैरह खेलता है ये क्रिस्टी, तो वो पूरे विलेज में एक हीरो टाइप का बन गया है। तभी क्रिस्टी के फादर यहाँ पर आते हैं उसको वापस ढूंढते हुए, दूसरी बार आते हैं यहाँ पे उसके फादर, और इन दोनों को अपना सर दिखाकर बोलते हैं कि मेरा नालायक बेटा मुझे मारकर भाग गया है, पागल जैसा दिखता है, ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी है, बताओ मुझे क्या तुमने उसे देखा है। तभी विडो क्वीन यहाँ पर आती है और शॉक हो जाती है कि फिर से आ गया। तो विडो क्वीन इन दोनों के पास में, जिमी और फिली के पास में जाकर बोलती है कि ये आदमी पागल है, ये अभी पहले मेरे पास आया था, मुझसे पूछ रहा था, कोई और स्टोरी सुना रहा था, अभी तुमको कोई और स्टोरी सुना रहा है, इसके सर पे चोट लगी, शायद ये पागल हो गया है। अब जिमी और फिली उस दोनों को सुन रहे हैं, विडो क्वीन को भी सुन रहे हैं और क्रिस्टी के फादर को भी सुन रहे हैं, तो उनको शक हो जाता है कि हो ना हो ये आदमी क्रिस्टी का ही फादर है। अब पब में ये सब बातें चली रही थी कि बाहर से भीड़ की आवाज़ आती है, ये भीड़ वेस्टर्न वर्ल्ड के प्लेबॉय के लिए चिल्ला रही है, यानी कि क्रिस्टी के लिए चिल्ला रही है। क्रिस्टी का फादर उस भीड़ को देखता है और अब इस क्रिस्टी के फादर को भी शक हो चुका है कि उसका बेटा यहीं कहीं आसपास है, शायद ये भीड़ उसके बेटे से मिलने के लिए इकट्ठा हुई है। तो विडो क्वीन फिर उससे बोलती है कि तुम तो बोल रहे थे तुम्हारा बेटा तुम्हें मार के भाग गया, वो एक कावड़ है, और अब तुम बोल रहे हो ये भीड़ उससे मिलने के लिए इकट्ठा हुई है, तुम जरूर पागल हो गए हो। ऐसा बार बार बोल बोल के ये विडो क्वीन उसको यकीन दिलवा देती है कि ये क्रिस्टी का फादर जो है ये पागल हो चुका है। इस क्रिस्टी के फादर को भी यकीन हो जाता है और ये चुपचाप यहाँ से चला जाता है। लेकिन जिमी और फिली ये दोनों उसका पीछा करते हैं कि हमें जानना है ये आदमी है कौन और कौन से अपने बेटे को ढूंढ रहा है। अब जैसे ही क्रिस्टी का फादर यहाँ से जाता है तो क्रिस्टी यहाँ पर अंदर पब में आता है तो उसके चारों तरफ उसके फैंस इंक्लूडिंग पिजीन और गाँव की दूसरी लड़कियाँ उसे चिपक रहे थे सारे के सारे। वो लोग क्रिस्टी को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं कि तुमने स्पोर्ट्स गेम में अच्छा परफॉर्म किया, इसके लिए पिजीन उन सब लोगों को, उन सब लड़कियों को वहाँ से जाने को कहती है। अब क्रिस्टी यहाँ पर पिजीन से बोलता है कि मुझसे शादी कर लो, एक पोएटिक लैंग्वेज यूज़ करता है यहाँ पे, दोस्तों ये ध्यान रखना वो पोएटिक लैंग्वेज में बोलता है। तभी यहाँ पर पिजीन का फादर माइकल आता है शराब पीकर, बिल्कुल नशे में होता है वो, और उसके साथ में शॉ उसे संभालता हुआ आता है, तो वो मना करता है कि इस लड़के के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, इस पिजीन को बोलता है उसका फादर पिजीन का, तो पिजीन अपने फादर को मना लेती है कि ये शॉ जैसा लड़का उससे मेरी शादी करवाओगे आप, मैं क्रिस्टी जैसे ब्रेव लड़के से शादी करना चाहती हूँ, अगर उससे शादी करूँगी, क्रिस्टी से शादी करूँगी मैं, तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन जो होंगे वो बहादुर पैदा होंगे, इस शॉ की तरह डरपोक कावड़ पैदा नहीं होंगे। तो अब पिजीन का फादर भी मान जाता है, सारी प्रॉब्लम सुलझने वाली होती है। तभी क्रिस्टी और पिजीन हाथ में हाथ डालते हैं, तभी यहाँ पर क्रिस्टी का फादर आ जाता है। क्रिस्टी के फादर के पीछे बहुत सारे लोग, वो विलेजर्स ही थे, गाँव वाले ही थे। क्रिस्टी का फादर क्रिस्टी को पीटने के लिए उसके पीछे भागता है, तो क्रिस्टी सारे लोगों से बोलता है कि ये आदमी स्ट्रेंजर है, मैं इसको जानता नहीं, मैं नहीं जानता इस आदमी को, पागल है ये। लेकिन लोग क्रिस्टी की बात पर भरोसा नहीं करते, कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है, ये तुम्हारा फादर है इसलिए तुम्हारे पीछे भाग रहा है, स्पेशली तुमने पिजीन को धोखा दिया है बेचारी को, अगली लायर बोलते हैं इसको। अब क्रिस्टी को इस बात पर आता है गुस्सा, इसका फादर इसके पीछे लगा हुआ था तो गुस्सा आता है, वो एक लॉयर उठाता है और सच में अपने फादर के सर पे दे मारता है। इस बार पब्लिक के सामने वो अपने फादर का मर्डर कर देता है, ऐसे सर पे मारता है कि लगता है वो मर गया। तो अब पुलिस आकर उसको पकड़ेगी, तो ये सारे के सारे लोग मिलकर उसको रस्सी से बांध देते हैं कि तुमने बहुत गलत किया है, पहले तो तारीफ कर रहे थे, अब की बार सामने मारा तो गलत किया है। पूरे विलेजर्स को उस पर गुस्सा आ रहा था, उन्होंने उसको रस्सी से बांध कर पटक दिया जमीन पर, पिजीन को भी उस पर गुस्सा आ रहा था। अब क्रिस्टी जमीन पर रस्सी से बंधा पड़ा था तो उसने गुस्से में शॉन के पैर पर काट लिया। तभी क्रिस्टी का फादर जो अभी मरा नहीं था, उसके सर पे चोट जरूर लगी थी लेकिन मरा नहीं था, वो रेंगता हुआ इसके पास आता है अपने बेटे के पास में और भीड़ से पूछता है कि क्यों बांध रखा है मेरे बेटे को। तो ये माइकल बोलता है कि इसने आप पर हमला कर दिया, आप तो इसके फादर हो, कहीं हम में से भीड़ को ये ना मार दे। तो इस क्रिस्टी का फादर अपने बेटे की रस्सियाँ ढीली करता है,
उसकी रस्सियाँ खुल जाती है और ये दोनों बाप बेटे क्रिस्टी और क्रिस्टी का फादर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही क्रिस्टी और क्रिस्टी का फादर यहाँ से जाते हैं तो ये शॉन पजिन के पास जाता है और कहता है कि हम दोनों की इंगेजमेंट की बात करता है वो, तो वो जोर से उसके सर पे मारती है और रोती हुई बोलती है कि मैंने उसे खो दिया। वो ये लाइन बोलती है, आई हैव लॉस्ट द ओनली प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये लाइन बोलती है पजिन रोती हुई। अब दोस्तों यहाँ पर ये प्ले ख़त्म होता है। ये हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल प्ले था, इसको डबलिन में परफॉर्म किया गया था। अब ध्यान देना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इसको 1907 में पहली बार डबलिन में परफॉर्म किया गया था और इस प्ले के चलते दंगे हो गए थे कि आप ऐसा कैसे दिखा सकते हो इस प्ले के अंदर एक आयरिश आदमी, वो आयरिश आदमी अपने फादर को मारता और आयरिश लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो आयरलैंड के पॉलिटिशियंस ने बोला कि ये हमारे लिए ये प्ले एक इंसल्ट की तरह है, हमारी बेइज्जती की तरह है, इस प्ले के कोई मॉरल्स नहीं है और इसने पब्लिक को भड़का दिया। इस प्ले में कॉमेडी है विद सटायर, इसमें कुछ ट्रेजिक एलिमेंट्स भी शामिल है। जो इसके राइटर हैं इस प्ले के, जॉन मिलिंगटन सिंज, उन्होंने इस प्ले को लिखते हुए ये सोचा था कि पब्लिक इस प्ले को देखकर हंसे और अपनी ह्यूमैनिटी को नोटिस करे, और बहुत हद तक इस प्ले में आयरिश इंग्लिश का यूज़ किया गया है। दोस्तों आई होप आपको ये प्ले समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।